एक शहर था और सभी लोग आराम से और भव्य रूप से रह रहे थे। एक बड़ा पेट्रोल पंप था और सुबह के समय सभी कर्मचारियों ने अपने कार्यक्रम के अनुसार काम करना शुरू कर दिया था और एक बड़ी काली मर्सिडीज कार पेट्रोल पंप पर आ गई। कार के मालिक ने कार से बाहर आकर ₹2000 और कार में पेट्रोल भरने का आदेश। मालिक ने चिन्हित किया कि लड़का जो कार में पेट्रोल भर रहा है वह आश्चर्यजनक रूप से कार देख रहा था। मालिक ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या आप पहली बार देखते हैं इस प्रकार की कार? लड़के ने जवाब दिया, सर यह मेरी ड्रीम कार है, मैंने फैसला किया है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा लेकिन मैं इस तरह की कार का मालिक बनूंगा, इसलिए इस कार के मालिक ने उसे मालिक के नाम नंबर और पते के साथ एक छोटा कार्ड दिया और कहा कि कल मुझे फोन करके मेरे कार्यालय में आना। कार से जाने के बाद लड़का कई बार पता कार्ड देख रहा था और उसने सोचा कि मुझे नहीं पता कि वह मुझे किस प्रकार का काम देगा और मैं अपनी वर्तमान नौकरी भी खो दूंगा। इसलिए लड़के ने पता कार्ड को कूड़ेदान में फेंक दिया और अपना नियमित काम करना शुरू कर दिया और सारी बात भूल गई। 3 साल बाद एक दिन सुबह वही गाड़ी उसके पास आई जो मर्सिडीज और काला रंग था। फिर से वह कार को घूर रहा था। कार का मालिक बाहर आ गया। लड़के ने चिन्हित किया कि कार समान है लेकिन मालिक अलग है। मालिक बाहर आया और उसे पेट्रोल भरने के लिए ₹2000 दिए। फिर से मालिक ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें कार पसंद है? फिर उसने जवाब दिया कि यह मेरी ड्रीम कार है। मालिक ने उसे बताया कि 3 साल से पहले मैं इस पेट्रोल पंप में स्वीपर के रूप में काम कर रहा था। मैंने गाड़ी वाले और तुम्हारी बात सुनी। जब आपने कार्ड फेंक दिया तो मैंने उसे उठाया और अगले दिन मैंने मालिक को फोन किया और उससे मिलने गया। मालिक बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने कुछ काम दिए जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसलिए 3 साल बाद मुझे कार मिल गई और अब मैं कंपनी का मैनेजर हूँ। और पेट्रोल वाला लड़का बहुत परेशान था और उसके जाने के बाद वह रोने लगा। अफसर कभी भी झूठ को खटखटाने से नहीं आता।